नमस्कार, आज हम बास्केट पूरी बनाने जा रहे हैं। तो बास्केट पूरी बनाने के लिए मार्केट में से आपको बास्केट पूरी रेडीमेड मिलती है, तो वो लेनी है। यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए बटाटे और उसके साथ नमक डाल दिया है और लाल मिर्च भी। ये बटाटा मावा तैयार है। प्याज ली है, दही लिया है मैंने। उसके साथ में एक कप मग लिए है। इसके साथ में मूंगफली के दाने मसाले के वाले, सेव ली है, चीज़ भी हमने लिया है, पुदीने की चटनी, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी साथ में तैयार है। तो आज हम बास्केट पूरी बनाने के लिए देखेंगे। सबसे पहले पूरी को हम डिश में रखेंगे और पूरी को डिश में रखें, उसमें हम बटाटा का मावा रखेंगे उसके साथ में। ये डिशेस बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होती है, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, पटेटा मावा, उसके साथ में हम दाने मूँगफली के दाने इसमें डालेंगे। ये डिशेस एकदम सर्विंग टाइप की होती है, एकदम जो उसका टेस्ट है वो अलग बनाने के लिए आप इसमें और कुछ सामान डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यानी कि हम कठोर की कई चीज़ें डाल सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ मूँगफली लिए है, मूँगफली के दाने डाल लिए हैं। इसके बाद हम प्याज डालेंगे इसमें, इसके बाद दही डालेंगे। मैं बोला बहुत टाइम ले उन्हों ना तो बहुत टाइम दही डालने के बाद इसमें हम पुदीने की चटनी डालेंगे। इसके बाद में ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, सर्विंग के लिए मूंग के दाने, जो कि हमने रात को पानी में भिगो के रखे थे। उसके बाद सर्विंग के लिए सेव डालेंगे इसमें। जी स्टॉप करो। सेव और इस पे हम अच्छे से स्वाद लेने के लिए चीज डालेंगे। देख सकते हैं हमारी डिशेस तैयार है। ये खाने में भी बहुत अच्छी है।